अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार नाज़रीन, मैं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं K4U न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बेखौफ, बेबाक और काबिल रहनुमा से कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी रस्म अदायगी के लिए मैं उनसे मुतालिक चंद खास बातें आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो इलेक्शन हारे या जीते, मसला कोई भी हो, लोग सबसे पहले उनसे रुजू करते हैं। वो अपनी दूरअंदेशी से बड़े मसले को हल करने की सलाहियत रखते हैं। मौजूद हैं बुखड़ा पंचायत के क्षेत्र संख्या 6 में। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाई रिजवान अहमद उर्फ चांद बाबू। चलिए हम बात करते हैं उनसे इलेक्शन लड़ने की राजनीति की रणनीति के बारे में। जी मुलाजा फरमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान अहमद उर्फ चांद बाबू, दक्षिणी के उम्मीदवार, क्षेत्र संख्या 6 से लड़ रहे हैं। तो आपने पंचायत समिति पद पर ही क्षेत्र संख्या 6 से इलेक्शन लड़ने का निर्णय क्यों लिया? यही जल मतलब कि जमाव, नल वगैरह, सड़क वगैरह, गली कूची, ब्लॉक में जो जाते हैं रसीद कटाने या कोई चीज भी, बहुत लूट मार और दलाली खुरी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। इसलिए सोचे कि हम इस पद पर आकर के इसको दूर करें, यहाँ कोशिश जितना भी हो हम लड़ करके इसको पूरा करेंगे। बस आपकी बातों से तो कई सारे सवाल निकल कर बाहर आए, तो चलते हम आगे की क्रम में और ये जानते हैं उनके प्रवक्ता साहब से कि आपके प्रतिनिधि जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारे बुखड़ा पंचायत में काफ़ी सारा करप्शन है और बहुत सारी ऐसी समस्या है आवाम को, जो उसको फराहम करने के लिए अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं ये सब काम करूँगा। तो एक सबसे बड़ी समस्या है रास्तों का, सड़क को लेकर, पानी का लेकर, इस पर अगर आप जीत जाते हैं तो किस तरह से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यहाँ की जनता नहीं फेस कर रही है, जो इस रास्ते का जो भी पब्लिक यूज़ कर रहा है, हर किसी को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नाले की समस्या है, पानी, अभी आप आए होंगे रास्ते में देखे होंगे कि पानी जो है वो बीच सड़क पर है, और पानी का पहला तो जब रिपेयर हुआ था सड़क, उस टाइम पर उसका लेयर जो था वो बहुत पतला था। उस टाइम पर जो लीडरशिप कर रहे थे उनको बोलना चाहिए था, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, और जिसकी वजह से पतला लेयर है, पानी का बहाव इतना तेज़ रहता है कि वो लेयर जो है बह जाती है, ठीक है। और इसी कारण से पहला तो करप्शन वहाँ हुआ, उसके बाद नाला नहीं है जिसकी वजह से पानी बह रहा है, और इस वजह से भी तो यहाँ पे एक करप्शन के पीछे बहुत सारा करप्शन एक से एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको दूर करना था। पहले जो इनसे पहले जो थे उनको दूर करना था, पंचायत समिति सदस्य, तो उनको हम लोगों ने वोट दिया था और उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इस बार जो है मोहम्मद रिजवान अहमद उर्फ चांद भाई को जिताना है और इन्हीं को वोट देना है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जैसा कि कहा कि हम अगर जीत जाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि बदलना, और हम जो प्रेजेंट में अभी पंचायत समिति साहब थे उनको आपने वोट भी दिया, तो आप इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस बार आपका इलेक्शन लड़ने का जो मेन मुद्दा होगा वो क्या होगा? जनता आपको किस आधार पर वोट करेगी? देखिए, मुद्दा जो है वही है जो पहले भी था, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, वही सड़क थी, सड़क और सड़क जो दोबारा बनी, रिकंस्ट्रक्ट हुआ, उसमें भी करप्शन वही है, और बिजली वगैरह का हुआ तो उसमें भी अगर बिजली कट जाती है तो एक एक रात ऐसा गया है कि रात भर लाइट नहीं आई है। नल जल वाला योजना भी वही है, और नाली का भी समस्या देख ही रहे हैं आप, रास्ते में आए हैं अभी बताया आपको कि रास्ता और नाली का जो है सेम समस्या है, और बहुत सारा, एक ही समस्या नहीं है, इसके पीछे जो है बहुत सारा समस्या है जो कि युवाओं को भी फेस करना पड़ रहा है, लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है, और जो लोकल जनता है उसी को नहीं बल्कि शायद समिति के क्षेत्र से गुजरती है उसको भी इस समस्या से जूझना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, रिजवान साहब जीत जाएंगे तो ये सारी समस्याएं इनके द्वारा दूर की जाएंगी। जी, तो आप अपने बुखड़ा पंचायत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ा पंचायत है ये, ठीक है, और इसमें कई बार कई लोगों ने अपना जीत दर्ज करने के बाद और गद्दी संभालने के बाद आया है, अपने काम को किया है, मगर वो काम जो है करप्शन पे बेस्ड रहा है, और दूसरा चीज़ था कि कई लोगों ने काम किया भी नहीं है, ठीक है, तो वो जो काम है और काम ही के बेसिस पर इस बार वोटिंग करनी है, और काम ही के बेसिस पे वोटिंग करेंगे भी हम लोग, या जनता है वो देख रही है कि काम क्या हुआ नहीं हुआ, उसी के बेसिस पर वोट होगा और वोट किया जाएगा।
जी, तो आपका एजुकेशन के मामले में किस तरह का नज़रिया है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं जी, तो उस पर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, ये जो है राजकीय स्तर पर जो है तो वो तो ठीक ठाक आया है स्कूल में। पहले जो यहाँ जो स्कूल था तो वो 8 लेवल पे था, अब उसको मैट्रिकुलेट कर दिया गया है तो स्कूल का प्रमोशन हुआ है। मगर अब वहाँ पे बात ये है कि स्कूल में भी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इन सब मुद्दों पर भी जीतने के बाद काम किया जाएगा। क्योंकि एजुकेशन, आप सही बोले, एजुकेशन जो है वो बेसिक थीम है, होना चाहिए, और एजुकेशन के बिना जो है कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये हमारा जो है सबसे मेन मोटिव मुद्दा भी है जी। अहम सवाल ये है कि अक्सर जो इलाकाई राजनीति होती है, जो ग्रामीण स्तर की राजनीति होती है, उसमें पक्षपात भी बहुत होता है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो उस पक्षपात को कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण, पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने के लिए किस तरह से काम करेंगे, आपकी कार्यविधि क्या होगी? जैसा कि आपने शुरू में ही कहा है कि आपके सामने जो बैठे हुए शख्स हैं इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, और ये सीधी सी बात है कि हर वर्ग के लोगों से इनका जुड़ाव रहा है, और जब ये सत्ता में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हर वर्ग के लोग जब इनसे जुड़े हुए हैं तो पक्षपात जो अभी है वो आगे नहीं होगा, और ऐसा कुछ समस्या खड़ा नहीं होगा। हम ये कामना करते हैं कि आप जीते भी और आपकी जीत मुकद्दर भी हो। ते हैं अब प्रतिनिधि की ओर और बात करते हैं उनसे कि वो अपने क्षेत्र संख्या 6 से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे। जनता से अपील कर रहे हैं कि आप हमको वोट कीजिए, और जब जीत के आएंगे तो इस पे हम खड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे, आपकी सब समस्या को दूर करेंगे हम जी। फाइनली आप यहाँ के जनताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करेंगे? बोखरा क्षेत्र संख्या 6 से जितनी भी जनता है वो कप प्लेट छाप पर क्रमांक संख्या 3 पर EVM बटन दबाकर भाई रिजवान अहमद उर्फ चांद बाबू को विजयी बनाए, और विकास के क्षेत्र में इनका साथ दे और इनसे जो विकास होने वाले हैं उनका लाभ उठाए। शुक्रिया। तो अब मैंने इनसे बात किया, रिजवान अहमद उर्फ चांद भाई से, उन्होंने बताया कि मेरा इलेक्शन लड़ने का जो इस बार है अनेक मुद्दा है, बेसिकली जो मेरा मुद्दा होगा वो करप्शन को मुक्त करना, दूर करना, और शिक्षा विभाग पे विशेष ध्यान देना। और उनके प्रवक्ता ने बताया कि मैं अपने प्रमुख से जब मिलूंगा तो मैं उनको बताऊंगा कि हमारे समाज में कितनी सारी प्रॉब्लम है, मैं उसको अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द दूर करूं। और साथ में उन्होंने ये अपील भी किया कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनता का हर सूरत काम करूंगा, उनके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं K4D News। सबसे पहले इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।